ये देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैगी बनाने जा रही हूँ। बहुत ही जल्दी फटाफट नाश्ता तैयार। सबसे पहले मैंने गैस ऑन करके ये एक कढ़ाई रख दी है। इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड डालूंगी, बहुत ही थोड़ा सा। देखते हैं कढ़ाई गर्म हो गई अगर मेरी, अभी नहीं गर्म हो जाए तो प्याज डालेंगे। ये देखिए कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें थोड़े से प्याज जो काटे हैं उसको डाल दूंगी। हरी मिर्च बाद में डालेंगे, थोड़ा सा प्याज सॉटी हो जाएगा जब, तब फिर टमाटर डालेंगे। ये बिना सब्जियों की दिखा रही हूँ मैं, सब्जियाँ नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जियाँ बच्चे पसंद कम करते हैं इसलिए। ये देखिए प्याज हमारा हो गया है ना, सॉटे हो गया, पकाया नहीं पूरा। अब इसमें टमाटर डाल देंगे और साथ में जो हरी मिर्च काटी है मैंने वो डाल दी। हरी मिर्च देख रहे हैं आप बहुत कम मात्रा में है, एक हरी मिर्च थी और टमाटर भी एक है और प्याज भी एक है, इसी हिसाब से आप भी लीजिएगा। टमाटर में क्योंकि ये सब्जी में डाल रही हूँ, थोड़ा सा मतलब सब्जी का प्याज टमाटर डाला, तो इसको पकाने के लिए मैंने बहुत चुटकी भरी है नमक का इस्तेमाल किया है। अब जब ये सारी चीज़ें एक साथ पक जाएंगी तब मैगी का मसाला डालेंगे। ये टमाटर भी देखिए ऑलमोस्ट मेरा पक ही गया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, लगभग एक कप पानी डाल दिया मैंने, एक बड़ा कप पानी है जिसको मैंने डाला है। साथ में इसमें ये मैगी मसाला बाद में इसलिए डाला ना ताकि जले ना, क्योंकि ये ऑलरेडी पका ही रहता है, भुना मसाला टाइप का रहता है, तो इसको ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है आपको, कि पहले आप टमाटर के साथ डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सॉस, इसलिए मैंने इसको पानी में बाद में डाला है। अब सारी चीज़ों को एक बार चला देते हैं। ये जो मैंने मैगी को तोड़ के रखा है ना, ये देखिए ऐसे तोड़ लिया, पूरा पूरा रख देंगे तो आपको खोलने में उसमें समय लगता है, इसलिए ऐसे ऐसे करके मैंने सारे पीसेस को आराम से मैं पानी में रख दिया। इससे आपकी मैगी जल्दी बनेगी। जी बचा हुआ भी मैंने इसी में डाल दिया है। ये दो पैकेट मैंने लिए थे, दो छोटे काले पैकेट, ये देखिए। अब इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, जब अभी पानी ऊपर तक आएगा ना तो ये वैसे ही डूब जाएगी। और इसको मैं फिर से ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए, देखते हैं एक बार। ये लगभग पकी गई, बस थोड़ा सा पानी इसका कम हो जाए। सूपी टाइप का खाएं बच्चे तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, वरना थोड़ा सा इंतज़ार बस हल्का सा। चलिए देखते हैं फाइनली। ये देखिए हमारी मैगी बन के एकदम तैयार। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। धुआं उठती हुई गरम गरम मैगी सुबह सुबह नाश्ते में, मज़ा आ गया, आपको भी आएगा। ये देखिए मैगी बन के तैयार है, खाने के लिए धुआं भी उठ रहा है। प्लीज़ इसको बनाइएगा मेरे अनुसार और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, कविता देसी किचन। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कमेंट, थैंक यू।